हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे हियर वी विल डिस्कस अबाउट द किरातिक्त। ओके, तो जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चिरायता बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर जो प्लांट है हमारा, ये चिरायता का प्लांट है। और इसी का यूज़ हम अपने जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, यानी कि जितने भी सीवियरिटी ऑफ जो फीवर होती है, ओके, उनमें हम इनका काढ़ा बनाकर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप पियो, इससे जो ज्वर होता है हमारा, जो फीवर होता है वो सप्रेस होता है। ओके, तो किरातिक्त के अगर बारे में बात करें, तो किरातिक्त को हिंदी में, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया कि इसको चिरायता बोलते हैं, आम तौर पे इसको चिरायता बोलते हैं, और संस्कृत में इसको किरात या किरातिक्त, ये ऐसा दो टर्मिनोलॉजी हम देते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर जो किरातिक्त, ये जो नाम आया है, ये दो टर्म्स आया है, किरात और तिक्त। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे इंडिया में तो बहुत कम होता है, जो दक्षिणी भारत जो भी, यानी कि जो साउथ इंडियन जो साइड होते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलर हमारा पर्टिकुलर जो ये जो प्लांट है या फिर जो हर्ब है, ये वहाँ पे ग्रो होता है। अदरवाइज़ ये हम इंपोर्ट करते हैं, ओके, अदर कंट्रीज सच एस मोस्टली द नेपाल जो होता है हमारा, ओके, तो नेपाल से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, अपने इंडिया में लेते हैं, और तभी हमारे इंडिया में पर्टिकुलर जो इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ज़्यादा इसकी जो हैबिटेट है, इसकी हैबिटेट सिर्फ साउथ इंडियन का रीज़न ही बताया गया है, और जो हमारे मार्केट में वगैरह जो भी कुछ आता है वो इंपोर्ट के थ्रू होता है, बाया नेपाल हम उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो किरात मतलब होता है कि ये जो देश होता है वहाँ से, यानी कि अदर देन इंडिया, जो बाहरी देश से इसका इंपोर्ट होता है, उसको हम किरात बोलते हैं। यानी कि किरात एक देश का नाम है, वो देश में भी नेपाल और जहाँ कहीं से भी आया है उसको हम बोलते हैं। तो किरात मतलब देश, और तिक्त मतलब होता है बिटर टेस्ट का, यानी कि सबसे कड़वा। तो सबसे कड़वा जाने वाला, कहे जाने वाला जो हमारा द्रव्य होता है, जो भेषज द्रव्य है, जो मेडिसिन है, वो हमारा किरात तिक्त के अंतर्गत आता है। तो दो टर्मिनोलॉजी से मेन बना हुआ ये, किरात मतलब होता है देश, और तिक्त मतलब होता है हमारा बिटर टेस्ट वाला जो द्रव्य आता है, यानी कि सबसे बिटर टेस्ट जो हमारा द्रव्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तिक्त द्रव्य बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आमतौर पे कड़वा बोलते हैं। ओके, तो किरात तिक्त का काढ़ा पीने को जब हम पेशेंट को बोलते हैं, तो उनका रिप्लाई ऐसा आता है कि ये बहुत कड़वा होता है, और बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो एबल नहीं होते, मतलब उनको बराबर से ऐसा फील नहीं होता है उनको ड्रिंक करने के लिए। ओके, तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि इनको नहीं, मतलब दिस पर्टिकुलर काढ़े को वो प्रीफर नहीं करते हैं। ओके, तो इसके टेस्ट की वजह से इसको पब्लिक इसको हेट करती है। ओके, तो इसके और अगर नेक्स्ट की अगर बात करें, इसके लैटिन नेम वगैरह की अगर बात करें, तो इसका लैटिन नेम जो होता है वो कुछ सेवरिटिया चिरायता ऐसा समथिंग उसका लैटिन नेम आता है, और फैमिली जेंटेनिसी के एक फैमिली आती है। तो अगेन चिरा जो इसका जो लैटिन नेम है सेवरिटिया चिरायता, ये जो लैटिन नेम है चिरायता, जो इसका जीनस नेम आ रहा है आपको लास्ट में, सेवरिटिया चिरायता। ओके, तो जो हमारा जो स्पीसीज नेम है जो चिरायता, वो चिरेटिन कंटेंट पर्टिकुलर चिरायता के अंदर होता है, दैट्स वाई इसका जो स्पीसीज नेम है चिरायता वो आया है। ओके, तभी इसको हम आमतौर पे चिरायता बोलते हैं, क्योंकि इसमें चिरेटिन एक कंटेंट होता है जो कि फीवर के लिए, फीवर को सप्रेस करने के लिए, फीवर के जब फीवर हो जाती है, उसके हो जाने के बाद जो भी अदर सिम्टम्स आते हैं, सच एज हमारे बॉडी में स्वेटिंग नहीं होता है, ओके, ठंड लगती है, चिल्स, ओके, तो चिल्स ना हो, श्वेत जनन की प्रोसीजर स्टार्ट हो, यानी कि जो स्वेटिंग को इंड्यूस करे, या फिर आयुर्वेद के अगर तो सॉरी आयुर्वेद के अगर रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो आयुर्वेद बिलीव्स दैट ज्वर जो पर्टिकुलर जो व्याधि होती है, ये एक आम के वजह से होता है। ओके, आम जो होता है, यानी कि अनडाइजेस्टिव कंटेंट हमारे बॉडी का, या फिर आप ऐसा भी बोलो कि एंडोटॉक्सिन, ओके, बॉडी के खुद के अंदर का एक पर्टिकुलर ये हार्मफुल मटेरियल है, जो कि अलग अलग स्रोतस के अंदर चैनल्स में जाकर वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको बाधित करता है, उसको रोधन करता है, यानी कि उसको रोकता है, स्रोतस को रोकता है। तो इन स्रोतसों का जो रोकना है, वो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉपर फ्लो होता है, प्रॉपर नरिशमेंट जो होता है, या फिर प्रॉपर जो न्यूट्रिशन होता है, हर एक सेल्स को नहीं मिल पाता है। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है, इन ऑब्सेशन को हम पाचन करते हैं, यानी कि जो भी आम वहाँ पर गैदर हुआ है, जो कलेक्ट हुआ है सभी स्रोतस के अंदर, उनको क्या करते हैं, हम उनका पाचन करते हैं बाय आम पाचक द्रव्य। तो किरात तिक्त का तिक्त रस होने की वजह से ये इट एक्ट्स एज अ गुड पाचक, ओके, गुड पाचक द्रव्य, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट एक्ट एज अ गुड आम पाचक द्रव्य। ओके, तो स्वेद जनन इंड्यूस करता है हमारा किरात तिक्त, यानी कि चिरायता जिसे हम बोलते हैं, आम पाचक है। ओके, और भी बहुत सारे जैसे कि सिम्टम्स आते हैं स्वेद, यानी कि जब फीवर जब आता है, ओके, तो कुछ लेने की, यानी कि अरुचि जैसे कंडीशन आती है, यानी कि पेशेंट कांट टॉलरेट पर्टिकुलर एनी काइंड ऑफ फूड, ओके, वो कुछ भी लेने के लिए टॉलरेट नहीं होता है। ओके, वो
उसकी कुछ भी इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा पहले से उसकी संप्राप्ति उन्होंने बताई है कि वहाँ पे जो अग्नि होती है, जो कि भोजन के पचाने के लिए जो वहाँ पे एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी वहाँ पे नहीं है, वो पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। ओके, एंड दैट्स वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है हमारे बॉडी का। ये आयुर्वेदा की संप्राप्ति है, आयुर्वेदा ऐसे पैथोफिजियोलॉजी बोलता है। लेकिन अगर मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न क्या बोलता है कि वहाँ पे जो भी हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है, जो उसका टेम्परेचर रेगुलेटरी जो सिस्टम्स होता है, वो पर्टिकुलर एंडोजीनियस पायरोजन या फिर जो एक्सोजीनियस पायरोजन, ओके, एंडोजीनियस मतलब खुद के पर्टिकुलर सेल्स के वजह से या फिर बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन इन्वायरमेंट रेडी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस पायरोजन बोलते हैं। एक्सोजीनियस पायरोजन मतलब आप जानते हो कि जैसे कि अभी टाइफाइड फीवर वगैरह जो भी कुछ होता है, मलेरियल फीवर होता है, या फिर नॉर्मल फीवर जो भी कुछ होता है, राइनो वायरस वगैरह, यानी कि जो भी कॉमन कोल्ड, कफिंग वगैरह जो भी कुछ होता है, तो उसके वजह से भी एक फीवर आती है, तो ये नॉर्मल फीवर वगैरह हम बोल सकते हैं। यानी कि ये कभी कब आया, जब कोई बाहर का पैथोजन, बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाहर का कोई नया ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आया, तब वो क्या करता है, इट्रैक्टस एंटीजन टू द बॉडी। ओके, एंड वो क्या करता है, एंटीजन होने के साथ साथ बॉडी क्या करती है, स्टिमुलेट करती है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली वी फील द इलेवेटेड टेम्परेचर इन द बॉडी। ओके, तो बाहर दोनों की जो संप्राप्ति है आयुर्वेदा और मॉडर्न के हिसाब से, दोनों में टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। स्वेद यानी कि जो फीवर होती है, फीवर को सप्रेस करने वाला जो हमारा पर्टिकुलर जो फेमस द्रव्य होता है, ये किरातिक्त का हम यूज़ करते हैं। तो दोनों की पैथोफिजियोलॉजी को अगर कम करना चाहेंगे हम, तो किरातिक्त का यूज़ हम कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस के रेगुलेटरी सिस्टम्स को मेंटेन करता है, और जो हमारा मॉडर्न के अगर रेफरेंस की अगर बात आयुर्वेदा के रेफरेंस की अगर बात करें, तो जो अग्नि मांदु हुई है, जहाँ से अग्नि पूरे बॉडी में जो स्प्रेड हुई है, वो उनको क्या करता है, उनको बराबर से उनके जो एबिलिटी होती है अग्नि की, वो बढ़ाता है। ओके, यानी कि वो अग्नि प्रदीपक, अग्नि प्रदीपन का काम करता है। अरुचि जो हुई रहती है, एनोरेक्सिया जो भी कुछ होता है, नॉट एबल टू और नॉट डिज़ायर टू ईट समथिंग, तो वो डिज़ायर जो होता है, जो लॉस हो गई रहती है हमारे फीवर की वजह से, वो हमारे गेन हो जाती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ओके, तो इसके अगर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट की अगर बात करें कि कौन सा द्रव्य इसके अंदर रहता है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, चिराटिन एक कंटेंट होता है जो कि एंटी कैंसर एजेंट हमारा एजेंट होता है, और मैंजीफेरिन, जेंटेनिन और भी ऐसे ग्लाइकोसाइड, ऐसे समथिंग कुछ इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंट अंदर होते हैं, किसके, किरातिक्त के अंदर होते हैं। तो किरातिक्त का अभी जो प्लांट देख रहे हो, ओके, ये पूरे प्लांट का हम यूज़ करते हैं, नॉट ओनली विद वी आर यूजिंग द लीफ, ओके, हम पूरे प्लांट का यूज़ करते हैं, इनके फ्लावर्स जो भी रूट वगैरह जो भी कुछ रहते हैं। ओके, ये जो डंटल वगैरह आप जो देख रहे हो, पूरे का काढ़ा हम बनाते हैं और पेशेंट को देते हैं। तो आप ये पर्टिकुलर जो फोटो आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए, ये पर्टिकुलर एक कंपनी का दिस पर्टिकुलर आता है। ओके, यानी कि यहाँ पे पंचांग का यूज़ करते हैं हम। किरातिक्त में बहुत सारे द्रव्य होते हैं जिनके हम फल का यूज़ करते हैं, जिनके हम फूल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कहीं कहीं बीजों का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल बताऊँ मैं, तो ऐसे बहुत सारे हर्बल ड्रग्स के उदाहरण और जो भी कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो वहाँ पे मैंने बताया, जैसे एग्जांपल दूँ अगर आपको मैं, अशोक ले लो आप, या फिर अर्जुन ले लो, अर्जुन के हम फल का यूज़ करते हैं, अशोक का हम बीज का यूज़ करते हैं, अशोक का जो छाल होता है उसका यूज़ करते हैं, तो ऐसे अलग अलग कंटेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन किरातिक्त की अगर बात करें, इनके पूरे प्लांट्स का यूज़ करते हैं फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्वात, ओके, यानी कि काढ़ा जिसे हम बोलते हैं। इसका लैटिन नेम हमने देख ही लिया। इसके पर्याय नाम की अगर बात करें, यानी कि जिन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं, तो इसका एक निद्रारी करके एक सिनोनिम्स आता है, यानी कि निद्रा और अरि, दो टर्मिनोलॉजी से बना हुआ, निद्रा और अरि, निद्रा का शमन करने वाला, निद्रा को रोकने वाला, उनको हम क्या बोलते हैं, निद्रारी बोलते हैं। तो निद्रारी का एक इसका सिनोनिम्स है, क्योंकि इसके काढ़ा लेने से हमें ज़्यादा नींद नहीं आता है, ऐसे वहाँ पे हमारे रेफरेंस आया है। इसका एक और सिनोनिम्स आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, भूनिम्ब बोलते हैं, ओके, श्वास हर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमें कफिंग वगैरह जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है, वो वहाँ पे क्या करता है, म्यूकोलाइटिक, इट एक्ट्स है म्यूकोलाइटिक एजेंट, ओके, और जो भी म्यूकस हमारे पूरे ब्रोंकल ट्रीज में जो भी एकुमुलेट हुआ है, जो भी गैदर्ड है, जो भी कलेक्टेड है, वो उसको क्या करता है, लाइसिस करता है, यानी कि म्यूकस को क्या करता है, ब्रेक करता है, और इट एक्ट्स है म्यूकोलाइटिक एजेंट। ओके, अल्टीमेटली श्वास हर इसका एक पर्याय नाम आया हुआ है।
लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राइंडिकेशन रिगार्डिंग इसके आता है कि इसके काढ़ा बनाने के बाद पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो आप ऐसा समझ सकते हो जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन का जो पेशेंट है, ओके, वो उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हमारे इन्वायरमेंट जो है वो बॉडी के अंदर तो है ही है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट जब ये काढ़ा हम लेते हैं और पेशेंट को जब हम बोलते हैं तो वो और हाइपोग्लाइसेमिक हो सकता है, और हाइपोग्लाइसेमिक शॉक पेशेंट को इमिडिएटली हो सकता है, और हाइपो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन पेशेंट में कोलैप्स एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, तो इसको रिफ़र करने के टाइम हमें पेशेंट के जो बल होती हैं, जो शक्ति है, जो भी कुछ उसके पैरामीटर है उसको मेज़र करके ही हमें इसको सजेस्ट करना है। ओके, मॉडर्न से अगर इसका कंपेयर करें तो जैसे हमारा एनसैड्स होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग होते हैं, तो एनसैड जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे तीन फंक्शन एनसैड के द्रव्य करते हैं। ओके, तो उनमें से जैसे कि आइबोप्रोफेन हो गया हमारा, ओके, वहाँ पे जो पैरासीटामोल वगैरह जो भी कुछ होता है, ये तीन तीन फंक्शन करते हैं, यानी कि एनाल्जेसिक भी करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है एंड एंटीपायरेटिक भी है। ओके, तो इन दैट सेम वे हमारा जो किरातिक्त होता है ये तीनों फंक्शन करता है, एनाल्जेसिक भी करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी एक्शन शो करता है और एंटीपायरेटिक भी है। एनाल्जेसिक मतलब जहाँ पे वेदना पेन वगैरह जो भी कुछ होता है, यानी कि पेन रिलीवर जो होता है वो एनाल्जेसिक के अंदर आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जहाँ पे शोथ इन्फ्लेमेशन वगैरह जो हुई रहती है वो उनको क्या करता है, सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हुई रहती है उनको भी वो सप्रेस करता है, मतलब जो पैथोफिजियोलॉजी जो घटित हुई रहती है, ओके, जो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो उनको क्या करता है, उनका शमन करके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एंटीपायरेटिक मतलब होता है, पायरेसिस मतलब होता है एलिवेटेड टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर होता है जो हाई होता है उनको भी वो कम करता है। ओके, इट एक्ट एज थ्री प्रॉपर्टीज, इट हैव अ थ्री प्रॉपर्टीज, एंड एनर्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट हमारा चिराता होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किरातिक तो बोलते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे रेफरेंस भी आया है कि जो भी पर्टिकुलर जो हमारा काढ़ा होता है, ओके, ये काढ़े को हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जो भी स्कॉर्पियन बाइट्स होता है, ओके, जो भी कुछ बिच्छू वगैरह जो भी कुछ स्कॉर्पियन जो बाइट्स होती हैं, ओके, उनको काटने के बाद हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं दिस पर्टिकुलर काढ़े को, इसके यानी कि स्कॉर्पियंस बाइट्स के बाद जो भी कुछ सिम्टम्स आते हैं दैट कैन बी सप्रेस्ड, ओके, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस पर्टिकुलर काढ़ा इन टू द बॉडी। ओके, और इसके अगर रेफरेंस की अगर बात करें कि इसके और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, तो इसके रसपंचक बताने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तिक्त रस का द्रव्य है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाकी ये हमारा द्रव्य होता है। और इसके अगर यूज़ की बात करें तो इसके जो काढ़े होते हैं नॉट ओनली हम इंटरनल के लिए यूज़ करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वी आर यूजिंग इन द एक्सटर्नल एप्लीकेशन एज वेल। ओके, कोई अगर फोड़ा या फिर कोई ऊंट्स वगैरह जो घाव वगैरह हो जाते हैं उनको वॉशिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे इनके काढ़ों का यूज़ करते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियन बाइट्स वगैरह जब कुछ हो जाते हैं तो वहाँ पे जो भी कुछ हम बोलते हैं कि साबुन से वगैरह जो हमें क्लीन करना चाहिए, तो इन दैट सेम वे हम दिस पर्टिकुलर काढ़े को भी माइल्ड लेवल में इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर किरातिक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चिरायता बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस द्रव्य होता है ज्वर व्याधि के लिए, जीर्ण ज्वर हो, विषम ज्वर हो, मलेरियल फीवर हो या फिर कोई भी ज्वर हो, उनको हम इनमें पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तिक्त रस का द्रव्य होता है एंड दैट्स वाई जितने भी तिक्त रस के जो द्रव्य होते हैं, पटोल परवल हो गए हमारे पटोल जिन्हें हम बोलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं, एट द राइट नाउ बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, तो जो हमारा तिक्त रस का जितने भी द्रव्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे ज्वरग्ने वाले द्रव्य होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्वर को कम करते हैं। सुदर्शन हमारा एक द्रव्य होता है, हमारा जैसे किरातिक आपने देख ही लिया, ओके, पटोल हो गया हमारा, ओके, तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य जो कि जो भी जितने भी तिक्त रस के अंतर्गत आते हैं वो क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज ज्वरग्ने प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ज्वर के जितने भी सिम्टम्स आते हैं वो उनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको क्या करते हैं, शमन करते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर स्वरटिया चिरायता। ओके, थैंक यू।